माय चैनल। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 5 का आईसीएसई बोर्ड्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी द स्केलेटल सिस्टम, जिसका हम लोग इसके पहले वीडियोस तक में जॉइंट्स तक जान लिए थे, सब कुछ जान लिए थे, जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम और फंक्शन वगैरह सब कुछ हम लोग जान लिए थे इसके पहले वीडियोस में। आज हम लोग जानेंगे मसल्स एंड मूवमेंट के बारे में, कि जैसे हम लोग जॉइंट्स सब के बारे में पढ़े, उसी तरह हम लोग के बॉडी में मतलब बोन्स के ऊपर मसल्स होता है ना, बस उस जो टिश्यू होता है वही मसल्स और मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि मसल्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे जो भी न्यू अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है कि बोन्स आर कवर्ड विद टिश्यूज कॉल्ड मसल्स। बोन्स जो है वो जिस टिश्यू से कवर्ड रहता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे बॉडी में खाली बोन्स है, ऐसा तो नहीं है, मसल्स भी है कुछ। तो जिस टिश्यू से हम लोग का बोन्स कवर रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। देयर आर ओवर 600 मसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में लगभग 600 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, 600 से ज्यादा ही होते होंगे शायद, लेकिन जो लिखा है आपके बुक में हम लोग बता रहे हैं। देयर आर ओवर 600 मसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 600 मसल्स होते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडम्स। मसल्स बोन्स से कैसे अटैच्ड होते हैं, उसको कहते हैं टेंडम। मतलब क्या हो गया, मसल्स कोई ना कोई चीज से हमारे बोन्स से जुड़े हुए होते होंगे। तो जिस चीज से बोन्स से मसल्स जुड़े हुए होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडम बोलते हैं। तो आगे क्या है, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दस अलाउ द बॉडी टू मूव। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दस अलाउ द बॉडी टू मूव। और हम लोग का जो बॉडी मूव करता है वो कैसे करता है, मसल्स उसमें क्या हेल्प करता है। तो मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबना और रिलैक्स मतलब छोड़ना। मतलब मान लीजिए हमारा हैंड का ना क्या है वो बोन, ठीक है, मान लीजिए हमारा हैंड का बोन है, ठीक है। अगर हम लोग इसको मतलब हाथ को अगर मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे मोड़ते हैं तो क्या होता है, मसल जो होता है ना वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स करता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे कि हार्ट में हम लोग पढ़े थे क्लास 4 में, हार्ट में भी क्या होता है मतलब कि हार्ट के चैम्बर में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मैंने वो क्लास 4 में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में समझाया था कि हार्ट में भी जो हार्ट जो पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी उसमें होता है। तो एक जब कॉन्ट्रैक्ट, उसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे हाथ को ऐसे मोड़ते तो क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ऐसे वापस से खोलते हैं तो क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। तो वही हो गया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप लोग हार्ट वाला पार्ट अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आगे क्या लिखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मेनली 3 तरह के मसल्स होते हैं। कौन कौन से, तो एक है स्केलेटल, एक स्मूथ और एक कार्डियक मसल्स। इन तीनों के बारे में अभी हम लोग एक एक करके अच्छे से जानेंगे डिटेल में। तो मसल्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जाने, तो मसल्स वो होता है जो कि हमारे बोन्स को कवर करता है, और वो हमें किस चीज में हेल्प करता है, तो हमारे बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो भी होता है वो क्या किसके हेल्प से होता है, मसल्स उसमें हेल्प करता है। हमारे बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स होते हैं, लगभग 600 होते हैं हमारे बॉडी में मसल्स। तो ये था फ्रेंड्स मसल्स के बारे में। अब इसके जो टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं मसल्स के सबसे पहले टाइप के बारे में। पहला क्या हम लोग का, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, दीस आर द मसल्स हुज मूवमेंट कैन बी कंट्रोल एंड आर देयर फॉर कॉल वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मतलब हो गया आपका क्या हो गया, कंट्रोल एंड आर कॉल वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कैसा होता है, मतलब वॉलेंट्री मसल्स क्या होगा आप लोग स्क्रीन पर देखिए, दीस आर द मसल्स हुज मूवमेंट कैन बी कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या हुआ,
ये ऐसा मसल्स है, स्केलेटल मसल्स ऐसा मसल्स है जो कि हमारे जो मूवमेंट होता है ना बॉडी में उसको कंट्रोल करता है। जो मसल्स हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स कंट्रोल, एंड देयरफॉर आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये मसल्स स्केलेटल मसल्स क्या करता है, हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वॉलेंट्री मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में द स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट इन द आर्म्स हैंड्स लेग्स एंड फीट। स्केलेटल मसल्स कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे आर्म्स में होता है, हैंड्स में होता है, लेग्स में होता है और फीट में होता है। और आर्म्स हैंड्स लेग्स और फीट में मेन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे से ही हम लोग का क्या होता है, ज्यादातर मूवमेंट होता है। पैर से हाथ से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, पैर से चलने का काम करते हैं, आर्म से ही बहुत सारा काम करते हैं, मतलब आर्म से ही मूवमेंट कैसे अला होता है। तो इसलिए जहां जहां पे मूवमेंट होता है वहां वहां पे क्या होता है, स्केलेटल मसल्स पाया जाता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जिस जो जो मेन पार्ट है जहां से हम लोग ज्यादा काम करते हैं जिस चीज से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स का नाम अगर कोई पूछे कि स्केलेटल मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं, तो क्या उसका जवाब देंगे हम लोग कि स्केलेटल मसल्स का नाम इसलिए वॉलेंट्री मसल्स है क्योंकि वो जो हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, वॉलेंट्री मसल्स। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं मसल्स के दूसरे टाइप के बारे में। तो फ्रेंड्स हम लोग जाने अभी मसल्स के टाइप्स के बारे में, जिसमें पहला था स्केलेटल मसल्स, इसके बारे में जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहलाता है। क्यों वॉलेंट्री मसल्स कहलाता है, क्यों वॉलेंट्री मसल्स कहलाता है, क्योंकि वो मूवमेंट हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। अब हम लोग जानते हैं स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बस मसल्स और उसके मूवमेंट के बारे में ही जानेंगे, मतलब मसल्स और उसके टाइप्स के बारे में ही जानेंगे हम लोग। तो हम लोग चलिए स्मूथ मसल्स के बारे में जानते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्मूथ मसल्स क्या होता है, तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग डाइजेशन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड इन द बॉडी। ड्यूरिंग डाइजेशन मतलब कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं, जिस टाइम डाइजेशन होता है, मतलब जब डाइजेशन होता है तो मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हमारे मसल्स में, ताकि हमारा जो खाना होता है ना, जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है वो हमारे बॉडी में हो सके। जैसे कि कोई आदमी खाना खाता है, खाना खाते तो उसके गले से जो जब जाता है ना पाइप, जो हमारा फूड पाइप है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फूड नीचे आता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर थोड़ा फूड नीचे आता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन हमारे फूड पाइप में भी होते रहता है। तो कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन क्यों होता है डाइजेशन के समय में, ताकि हमारा जो फूड जो है ना हमारे बॉडी में अच्छे से मूव कर सके। इसी के कारण हमारे बॉडी में भी जिस टाइम डाइजेशन होता है उस टाइम कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन होता है। दिस मसल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूथ मसल्स। और ये मसल्स किसके एग्जाम्पल है, स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल है। क्यों स्मूथ मसल्स है, क्योंकि अगर ये मसल्स स्मूथ नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये और आगे बोल रहा है कि दिस मसल्स वर्क ऑन देयर ओन एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर देयर मूवमेंट एंड देयरफॉर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। और ऐसे मसल्स जो होते हैं, मतलब जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये अपना काम खुद से करते हैं। जैसे कि हमारे आर्म फीट लेग सब में क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होता है, वो क्या करता है हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो। लेकिन स्मूथ मसल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब जो भी स्मूथ मसल्स होता है वो सारा अपना काम खुद से करता है, कॉन्ट्रैक्सेशन रिलैक्सेशन खुद से करता है, और इसलिए ये कैसा मसल्स कहलाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाता है। स्केलेटल मसल्स क्यों वॉलेंट्री था, क्योंकि वो जो उसके ऊपर वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट को। और वो कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, ब्रेन से ही हमारा पूरा बॉडी जो है ना वो कंट्रोल होता है, हमारा मूवमेंट भी ब्रेन के कारण ही कंट्रोल होता है। तो उसके ऊपर क्या है
किसी का कंट्रोल है, जैसे कि हमारे ब्रेन का, वैसे तो कंट्रोल ब्रेन का इसके ऊपर भी होता है, लेकिन ये सारा अपना काम खुद से ही करता है। हम लोग को चलने के लिए जैसे मसल्स का जरूरत है, लेकिन इस समय डाइजेशन के लिए ये सब अपना काम खुद से ही करता है। तो ये क्या कहलाया? स्मूथ मसल्स हुआ, और ये क्या हुआ? इनवॉलेंट्री मसल्स हुआ, ठीक है। क्योंकि ये हमारे मूवमेंट में तो कोई हेल्प नहीं करता है, मतलब मूवमेंट से मतलब कि हमारे चलने में, या फिर जो हम लोग आउटसाइड काम करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर जो भी हम लोग काम करते हैं, उसमें तो स्केलेटल मसल्स हेल्प करता है, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है डाइजेशन वगैरह, उसमें तो हम लोग तो कुछ नहीं करते, वो खुद ही होता है। तो वो क्या, तो इसलिए स्मूथ मसल्स क्या, सेल्फ कंट्रोल्ड है, इसलिए उसका उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इसलिए वो मसल्स भी कैसा, इनवॉलेंट्री है। तो अब हम लोग का जो मसल्स का लास्ट टाइप है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग का हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। बचपन से मतलब कि फोर्थ क्लास में भी हम लोगों ने हार्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में जाना था, क्योंकि उसमें हमारा चैप्टर ही था उसके बारे में। तो मसल्स प्रेजेंट इन आवर हार्ट आर नोन एज कार्डियक मसल्स। जो हमारे हार्ट में मसल्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। दिस मसल्स वर्क ऑल द टाइम वेदर वी आर एस्लिप और अवेक व्हाइल पंपिंग द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कार्डियक मसल्स ऑल टाइम काम करते रहता है, मतलब हम लोग जब सो रहे होते हैं तो भी कार्डियक मसल्स काम कर रहा होता है, हम लोग जगे होते हैं, कुछ काम भी कर रहे होते हैं, चाहे कुछ भी, जब तक हम लोग जन्म लिए और जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक कार्डियक मसल्स अपना काम करते रहता है। क्योंकि वो क्या है, वो किसका मसल्स है, हार्ट का मसल्स है, और हार्ट का काम ही क्या है, पंप करना ब्लड को। हम लोग चाहे सो रहे हो या फिर कुछ जगे हुए हो, काम कर रहे हो, हार्ट अपना काम कभी नहीं रोकता है, वो पंपिंग ब्लड का हमेशा करते रहता है। अगर पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए क्या, कार्डियक मसल्स क्या करता है, ऑल टाइम काम करते रहता है। और ये मसल्स भी कैसा होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सेल्फ कंट्रोल है। कैसे? तो हम लोग करते हैं कि हम लोग का मन होता है, हम लोग का मन हुआ तो हाँ अभी हट काम करेगा, मन नहीं हुआ तो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या हुआ, कार्डियक मसल्स भी क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स है। हाँ, और स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री क्यों है? हमारा मन है तो हम बैठे हैं, हमारा मन है तो हम चल रहे हैं, हमारा मन है तो हम काम कर रहे हैं। उसमें क्या आता है, कंट्रोल होता है, हम लोग का एक कंट्रोल होता है। लेकिन स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में ऐसा नहीं है, इसलिए ये दोनों मसल्स कैसा है, इनवॉलेंट्री मसल्स है। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही, मसल्स और उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने आज के वीडियो में जाना। और आई होप आप लोग को मसल्स क्या होता है और उसका जो तीन टाइप होता है वो अच्छे से समझ में, स्केलेटल मसल्स क्या होता है, कार्डियक मसल्स क्या होता है, स्मूथ मसल्स क्या होता है, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से आया या नहीं आया ये तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा आई होप हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि बस हमारा जो बस लास्ट चीज होता है जो कि हम लोग अपने बॉडी का कैसे केयर कर सकते हैं, इन सब चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट होगा इस चैप्टर का। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। टाटा बाय बाय।